अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। तो मुझे आपको ये बताना था कि गाइस बकरे आ गए हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे आए हैं। दो बकरे रात ही आ गए थे और दो बकरे अब सुबह आ गए, क्योंकि बस रात दो ही बकरे मिल पाए, दो बकरों का ही सौदा हुआ और यहाँ से नहीं मिले, जामा मस्जिद मंडी से भी नहीं मिले, गाजीपुर मंडी से मिले हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बकरे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, शूट करूंगी इंशाल्लाह उनके साथ। और दानिश सुबह से ही गए हुए थे, डैडी और मामू दोनों के ही साथ में गए हुए थे दानिश सुबह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दो बकरों का सौदा और बन गया और बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे माशाल्लाह से हेल्दी बकरे आए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने जब उनकी घर में एंट्री हुई है, उनसे जीनों पे चढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि गांव के पले हुए बकरे होते हैं और यहाँ के रोड और सड़कों पे वो उन लोगों से चला नहीं जाता। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनकी शूट क्या करी है। वाह कितना प्यारा है ये। दोनों यहीं बांधना दानिश। हाँ क्योंकि आते ही रोटी गिरा दी इसने। बच्चों बकरे आ गए। बस 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 बस, ये अल्लाह काटने वाला है। अब बारी है बकरों को नहलाने की, जो कि दानिश नहलाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें, और मैं उसका शूट करूंगी। तो आप देखिए बकरों को कैसे नहला रहे हैं दानिश इतनी प्यार से। गाइस हमारे बकरे आ चुके हैं दो दो, ये देखिए, ये सींग मारने वाला बकरा, ये बहुत ज्यादा सींग मार रहा है। और दब्बू कह रहे थे ना हीरो बन गया, और ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं। वो नहा रहा है, ये भी नहा चुका है, इतनी गंदगी निकली हो यहाँ। ये हमारे दो बकरे हैं और हमारे ऊपर एक और बकरा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ दो दो, ये देखिए मैं इंतजार कर रहे थे, ये गिर मत जाना कोई सा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बकरे, एक ये दोनों तोता पढ़नी है, ये भी उठ रहा है लाइट के देखिए। ये देखिए वो ज्यादा ही वो हो गए कि हमारी वीडियो बन रही है, दोनों तोता पढ़नी है। ये देखिए आप, खूब अच्छा है मोटा सा। ये वाला तो दिखाओ, ये अभी बिल्कुल नहा रहा है और ये नहा के अभी राइट हो गया। तो गाइस जब सुबह दानिश निकले थे घर से बकरे लेकर आने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ आप मंडी की वीडियो बना लेना, क्योंकि मैंने गाजीपुर मंडी देखी नहीं है और मुझे खैर कोई शौक भी नहीं है, क्योंकि सब लड़कों का ही काम है वहाँ पे, सब जानवर वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। तो मैंने दानिश से कहा था कि आप प्लीज़ थोड़ा बहुत वहाँ का शूट कर लेना, तो इस बहाने मैं भी देख लूँगी और मैं व्लॉग में उसको ले लूँगी वीडियो को, तो मैं आप सबको भी दिखा पाऊँगी कि वहाँ पे किस तरीके के जानवर आए हुए हैं, बकरे भैंसे जो भी जानवर हैं वो किस तरीके के आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी वो सब कुछ। बताओ इसको, बताओ बताओ जी, बताओ भैया। मैंने तो बोल दिए तुम्हें 25,000 रुपए, 25 बोले, 20 नहीं बोले। लो 26 ले लो, 26 तो छोटे छोटे से हैं।
क्या कह रहे हो? चबनी आ गई। चबनी हड्डी आ गई मुंह में। हाँ। और मैं खाऊंगी बहुत ही टेस्टी भिंडी, और दानिश भी भिंडी खा रहा है। और मैं दानिश का हुलिया दिखा नहीं सकती क्योंकि दानिश इतनी देर से मंडी से आए और मंडी से आके बकरों को नहला रहे थे, है ना शोना? नहला भी रहे थे, खाना भी खिला रहे थे, और अभी खाना भी लाया उनके लिए। हाँ तो गाइस मैं जा रही हूँ टेलर के अपना सूट उठाने के लिए, और मैं वहाँ से जाऊंगी सिलमपुर मार्केट, वहाँ पे मुझे कुछ काम है। तो मैं बच्चों को घर पे ही छोड़ के जाऊंगी क्योंकि बकरे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चों को तो मैं छेड़ नहीं सकती बिल्कुल भी। बच्चे बहुत बिजी हैं बकरों के साथ और बहुत खुश हैं। तो मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं वहां पे भी शूट करूंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं आगे वीडियो में। क्लैपिंग करने लगता है। क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। तो बहुत गर्मी हो रही है गाइस, और मैं सिलमपुर मार्केट से आ गई हूँ क्योंकि मैं वहाँ बैंगल्स लेने के लिए गई थी, और हम आए हैं अब शास्त्री पार्क गोलगप्पे खाने के लिए, है ना जैन? जैन का बड़ा मन था, जैन कह रहे थे मम्मा मुझे गोलगप्पे खाने है। जैन गोलगप्पे खाओगे? जैन का मुँह ही गोलगप्पे जैसा हो रहा है, दोरा देखो। जैन क्लैपिंग कर दो। अरे जिन किसी कर दो, किसी किसी कर दो, किसी फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस कर दो। यहाँ पे फ्लाइंग किस कर दो ऐसे करके। जिन मैं हूँ नहीं, स्लाइडर के अंदर हाथ बड़ा कर डाल दो। जैन कहाँ लेटे हुए मेरे बच्चे? जैन को बहुत गर्मी लग रही है मेरे बच्चे को। हाँ लेट जाओ आप, ठीक है शोना? तो गाइज मैं आ गई हूँ बच्चों के कपड़े लेने के लिए क्योंकि मुझे जैन के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह कुछ शॉर्ट्स लेने थे, तो मैं यहीं से लेती हूँ। और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मार्केट में तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ गई थी, फिर मैं यहाँ आई हूँ ऊपर। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े हैं यहाँ पे, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही। तो मैं जैद, दावर और जैन तीनों के कपड़े यहीं से लेती हूँ शुरू से। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का भी शूट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। जैन, अरे ये जैन कहाँ पे चली गई? जैन ये वो थोड़ी है, मुड़े तो जैन दिखा रहे हैं सबको कपड़े, है ना? अच्छा जैन, तो फिर यहाँ पे तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। जैन आओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो गाइज एक सब्सक्राइबर है हमारी तबस्सुम आरा सैयद, उन्होंने रिप्लाई दिया किसी ने, मुझे बैड कमेंट्स किए जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा सुन के। मुझे दानिश ने बताया कि ऐसे ऐसे तबस्सुम ने उनको रिप्लाई दिया मतलब मेरे बिहाफ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू तबस्सुम। और जिनको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे तो प्लीज़ आप देखो नहीं,
लेकिन आप बैड कमेंट्स नहीं करो, आपको कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में कुछ बोलने का। तो थैंक यू तबस्सुम। तो गाइज रात का 1:30 बज रहा है और ये दोनों महाशय अभी तक सोए नहीं है और इनको तो भूख लग रही है शायद, और ये सोने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दूसरे वाले बकरे भी दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह से मैंने अभी तक इनका शूट नहीं किया। वाओ। मेरे ही इंतज़ार में बैठे थे शायद। ये दोनों माशाल्लाह से तोता परी हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम से लग रहा है। ओए वाओ, बारिश हो रही है क्या? ये मेरा पैर खा रहा था। शरारती, ओए शरारती बच्चे। तो सो जाओ बकरो अच्छी तरीके से। गुड नाइट, बाय। और बकरों की वजह से हमारे जीने का बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि सारा सारी जगह सारा स्पेस इन दोनों ने घेर लिया अच्छी तरीके से। कोई बात नहीं, ये वक्त इन्हीं का है तो इसलिए इनकी सारी गलतियां हमारी सर आंखों पर। ये बड़ा ही क्यूट है, बहुत ही मासूम है माशाल्लाह से, ये बिल्कुल परेशान नहीं करता किसी को भी। जैद दावर से भी बहुत हिल गए हैं माशाल्लाह से। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज बाहर, बहुत ज़्यादा जैन भी परेशान हो गए थे क्योंकि ज़रूरी था जाना, तो मैं इसीलिए गई थी वरना मैं आज जाती भी नहीं, क्योंकि घर में बकरे वगैरह हैं तो इनका काम बहुत ज़्यादा होता है घर में। बार बार मैं जाने से पहले भी मैं सफाई करके गई थी और अब मैंने आकर देखा है ना, तो अब भी पूरा घर फैला हुआ है। और जैद दावर को मैं लेकर नहीं गई थी, उन्हें मैं छोड़ के गई थी उनके दादी दादा के पास, और मुझे बैंगल्स वगैरह लेने थे इसलिए ज़रूरी भी था, टेलर के यहाँ से सूट भी उठाना था और जैन के डायपर वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। तो मतलब अच्छा खासा मैंने बहुत सारे काम की लिस्ट बना रखी थी दानिश के लिए, तो मैं बस यही सब करने के लिए गई थी। तो गाइस मैं इतनी गर्मी में शूट कर रही हूँ और बाहर भी जा रही हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। तो आप सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।